ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट टोटली साइडवेज रही और फिन निफ्टी एक्सपायरी भी अभी देखने को बताता हूँ मैं आपको कैसे डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं उसके, ठीक है, और क्या प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ट्यूसडे को अपन लोग उसको चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मार्केट खुला कहाँ पे, बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, यूजुअल निफ्टी से नहीं है ना, बैंक निफ्टी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी खुला कहाँ पे, ऊपर, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताया हुआ था कि अगर रीटेस्ट करती है मार्केट देन इट इज़ अ गुड लेवल टू बाय, डायरेक्टली जंप नहीं करना है अगर ये ब्रेकआउट सीधा देती है तो, राइट। एक चीज़, सेकंड चीज़, जहाँ ये स्विंग आपका एक सपोर्ट है, अगर आपने इंट्राडे का जो यूट्यूब पे फ्री कोर्स भी देखा होगा उसमें गैप अप और गैप डाउन को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है वो चीज़ मैंने आपको बता रखी है, वो भी बहुत सिंपल था, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा देख लेना, लेकिन बहुत ही सिंपल था कि खुलते ही आपको या तो बाय करो तो बात अलग होती है, लेकिन मार्केट आपका एक रेंज में फंसने वाली होती है या फिर रीटेस्टिंग पे ही आपको एंट्री लेनी होती है जब भी इस तरीके का ब्रेकआउट आता है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया, 15 मिनट की कैंडल ऊपर बनाई, उसके बाद इसी रेंज में पूरा फंस गया। अभी मैं कल ब्रेकआउट का प्लान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कल रीजन बताऊंगा क्यों। चलो अभी देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 47,400 तो ये अभी आपका क्या है, सीधा सीधा डिमांड एरिया अभी के लिए, कल के लिए होंगे, ठीक है। अगर फिर क्या होगा, मान लो मार्केट सीधा यहाँ खुल गई, खुलते ही शॉर्ट नहीं करना, रीज़न क्या होता है, आपको जैसे खुलती बाय नहीं करना होता सप्लाई एरिया में, वैसे डिमांड एरिया में खुलती ही सेल नहीं करना होता। लेट्स से मार्केट यहाँ से खुल के फिर नीचे जाती है, करना भी होता ना तो हाफ क्वांटिटी करना होता है, फुल क्वांटिटी में नहीं जाना होता है, फिर रीटेस्ट करें वापस से रिएक्शन ले देन नीचे जाए तब आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता है डाउन साइड का इस केस में, ठीक है। ये कौन सा केस डिस्कस किया कि मार्केट और गैप डाउन खुलती है इस रेंज में। अगर सीधा इसके नीचे खुलती है तो क्या, तो भी मुझे वेट करना है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। अगर मार्केट खुलती है सीधा गैप अप इसको, तो आप एक बार को ट्राई कर सकते हो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का डायरेक्टली ऊपर बाय करने का। उसमें रीज़न क्या होता है कि मार्केट में ट्रेंड बुलिश चल रहा है, राइट। बुलिश ट्रेंड को बेरिश होने से लिए पहले जगह जगह ये सपोर्ट्स को हिट करता है ना, तो वो चीज़ है। ये आपका एक डिमांड एरिया है 46,850 से लेके 46,980 के बीच में, ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी कारणवश मार्केट इस एरिया में आती है तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन में बाय तो जाना ही है, ठीक है। अब ऊपर क्या, ऊपर 48,000 का ही राउंड लेवल है जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है। इससे पहले अगर आप बात करोगे तो ये मैं बहुत अच्छी रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा 47,800 की। रीज़न क्या है कि मार्केट ने एक ही बार गया है, हाँ, लेकिन ये एरिया आपका अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो एरिया आ रहा है 920 से लेके 982, तो मतलब मेरे को सिंपल क्लियर हो गया, यहाँ के आसपास मुझे कोई नेगेटिव एक्शन मिले सेल, यहाँ के आसपास पॉजिटिव एक्शन मिले बाय, यहाँ मिलता है तो बढ़िया है, तो इस एरिया में मिलेगा पॉजिटिव एक्शन तो बाय। इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा, आप जा सकते हो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। इसके नीचे ब्रेकडाउन आएगा तो ब्रेकडाउन में आपको फुल क्वांटिटी में जाएगा, रिटेस्टिंग का वेट करना है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, रीजन क्या, ट्रेंड के साथ चलना होता है ना, सिंपल एनालिसिस, कोई टफ नहीं है कुछ भी। तो मैं जल्दी से आगे बढ़ देता हूँ, फिर निफ्टी पे आते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन पे चलेंगे, ठीक है। फिर निफ्टी में भी सेम चीज़ था, पहले ही कैंडल ने ऊपर बाय किया, उसके बाद पूरे दिन मार्केट आपका एक रेंज में फंसा रहा। अब यहाँ पे आके अगर आप इस ब्रेकडाउन पे सेल करते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे भी मैंने मेंशन किया था सेल करना है निफ्टी को, बैंक निफ्टी को सेल नहीं करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही थी एज कम्पेयर टू निफ्टी। रीज़न क्या, आरबी सेटअप का जो अपना डेटा होता है, ठीक है, जिसको भी शीट लेना होता है व्हाट्सएप कर देना, अब नंबर पे या ब्लू नंबर पे पता चल जाएगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना था, यहाँ पे आपका रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर गया, तो अभी नीचे के लिए चार्ट पे एक्सपायरी रेंज क्या आ रही है। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है यहाँ पे तो 21,300 के आसपास के ऊपर और 21,150 की नीचे चार्ट पे बन रही है। ऑप्शंस की डेटा पे क्या बन रही है मेंशन कर दूंगा मैं शीट पे, और अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे जब चलेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल है, मैं बहुत ना ही ब्रेकआउट को प्लान कर रहा हूँ ना ही ब्रेकडाउन को प्लान कर रहा हूँ, अगर करना भी तो हाफ क्वांटिटी में करना है। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों, इससे पहले भी एक जब आप देखोगे ना चार्ट खोल के प्रीवियसली देखोगे, इस तरीके के रनअप के बाद जनरली फिन निफ्टी की एक्सपायरी में 2 दिन साइडवेज जाती है मार्केट, ठीक है। हाँ, अगर मान लो सारे डेटा आपका ये अपना जो सेटअप बना हुआ है उसमें सारे ग्रीन दिख रहे हैं, ये सारे रेड दिख रहे हैं, तो फिर सिचुएशन अलग होती है, फिर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करनी होती है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है कि आपका प्लान आपने कुछ और किया था लेकिन आपके डेटा पॉइंट्स और सेटअप्स आपको कुछ और बता रहे हैं, तब आपको उस तरीके से ट्रेडिंग करना होता है जो आपके सेटअप्स बता रहे हैं इंट्राडे वाले, राइट। और प्लान से अगेंस्ट जाता है तो या तो क्वांटिटी कम करता हूँ, मैं जनरली अवॉइड ही करता हूँ अगर मेरे प्लान जो मैंने बना रखा है उसके अगेंस्ट में मार्केट चलता है तो। एनीवे सिंपल अपना लगा लिया, ऊपर का कहाँ पे 300 और नीचे आपका 142-150 के आसपास की फिर निफ्टी की एक्सपायरी दिख रही है। आते हैं अपन लोग निफ्टी पे। अच्छा, गैप अप गैप डाउन साइडवेज खुलेगा तो क्या, वही जो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बताया है सेम स्ट्रक्चर उसमें लगा देना। जो 47,400 का लेवल आ रहा था, 400 के आसपास का जो लेवल आ रहा था बैंक निफ्टी में, वो ये लेवल बन जाएगा। ऊपर 47,000 आपका जो 600 जो आज का हाई था, वही आज का हाई ये बन जाएगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, वही सेम चीज़ बन रहा है, उसी के हिसाब से अपना लेवल्स को ड्रॉप कर लेना, ठीक है।
किसके ऊपर आपको लॉन्ग नहीं रहना, किसके ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना, किसके ऊपर लॉन्ग नहीं रहना, आपका लेवल आता है। अगर मान लो किसी भी कारणवश मार्केट ने 21,000 तोड़ दिया, देखो सारी चीज़ को पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कम हो भले ही, लेकिन अगर 21,000 आपका फिनिफिट टूटता है, आपको लॉन्ग में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि कोई कुछ खराब न्यूज़ ही आएगी कि 21,000 टूटा है। ऊपर अगर 21,320 टूटता है फिन निफ्टी का, तो आपको शॉर्ट में नहीं रहना, फिर आपको शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी 320-325 के ऊपर। मैं आपको शीट पे एग्जैक्टली जो आपकी शीट है ना, ये अपना निफ्टी है, तो ये इंट्राडे का डेटा होता है राइट। अभी मैंने लास्ट वेबिनार में सबको बता दिया था किस किस को देखना है, कैसे कैसे वेबिनार है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल जाएगी कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और किस तरीके से ये वाले चार्ट्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, अगर कुछ भी आपका ट्रैपिंग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पे ही शीट पे मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में सेम चीज़ है। यहाँ पे मैंने यही मैसेज फ्री वाले टेलीग्राम में भी डाला था कि अगर आप सीधा रेजिस्टेंस पे जाके बाय करते हो, सप्लाई एरिया में जाके अगर आप बाय फ्रेश इनिशिएट कर रहे हो, तो आप गुनाह कर रहे हो। ये सपोर्ट एरिया था, अगर ये गैप डाउन खुलता, मार्केट किस रेंज में खुलता और यहाँ पे आके आप सीधा सेल करने पहुंच जाते, सेंटीमेंट्स खराब होंगे तभी तो गैप डाउन खुलेगा, सेंटीमेंट्स अच्छे होंगे तभी तो गैप खुलेगा, लेकिन उस सेंटीमेंट्स की वजह से सीधा का सीधा आपका सप्लाई एरिया में घुस जाए तो बाय नहीं करते, डिमांड एरिया में सीधा खुल जाए तो आपको सेल नहीं करना होता। हाँ, रीटेस्ट का वेट करो या फिर एक्शन बनने दो कुछ देर का, उसके बाद ही ट्रेड ले सकते हैं, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी का, सिंपल है। यहाँ पे 22,522 नाउ, एक बार आज इसे तीन बार अटेम्प्ट किया, अब दो बातें होंगी, तो सीधा खुल जाए इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर खुल जाए ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करना, बिकॉज फिर ये आपका रिटेस्ट करके फिर वापस जा भी सकती है और डायरेक्टली भी फाड़ के निकल सकती है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। नीचे जब तक 21,200 नहीं टूट रहा है आपका नीचे का लेवल, ठीक है, उसको ध्यान में रखना, जब तक क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होती तब तक अपने को एग्रेसिव शॉर्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। ऊपर से सेलिंग आती है, ठीक है, जैसे ये सेलिंग आई, ठीक है, ये सेलिंग आपको स्क्रीन पे देख के या डेटा पे देख के आपको करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप ट्रेंड फॉलोवर हो, ट्रेंड फॉलोवर्स के लिए सारे के सारे लोगों के स्टॉप प्रोसेस कहाँ लगेंगे निफ्टी में, 21,200 जो लोग प्रीवियसली बाय करके आ रहे हैं, पीछे से बाय कर दो, ठीक है, कहाँ पे, ये देखो जहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट आया था। हाँ, अभी ये एरिया है रेजिस्टेंस। अब मान लो कल मार्केट कहीं क्लोज आती इस जगह पे, तो आप देखोगे कि एक्सपायरी तक मार्केट की ये वाली ही रेंज रहेगी, ऊपर 525 और नीचे 200। अगर कल मार्केट क्लोज होती है समवेयर अराउंड 22,400-380 के आसपास, तो ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। सेम पैटर्न सेम ही लगाना, जो स्टार्टिंग बैंक निफ्टी का एनालिसिस उसको दोबारा से देख लेना, सेम पैटर्न लगेगा, बस लेवल्स उसके ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगे इसमें इसमें, ठीक है। चलते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन पे और निफ्टी की ऑप्शन चेन पे आके और देखते हैं कि क्या डेटा पॉइंट्स बने हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुत फास्ट फास्ट चलता हूँ, रीज़न क्या है, कुछ है नहीं एनालिसिस करने में, मतलब ऐसा कि बहुत बड़ा कुछ इधर से उधर हो जाए, मोमेंटम दिख रहा हो या बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से बोल रहा हूँ, ठीक है। 22,500, अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना ओपन चैनल पर चलने से पहले। दूसरा क्या है, ये ऑर्डर फ्लो की सीरीज मुझे लगा था लोग देख ही नहीं रहे हैं, मैंने तीन वीडियो इसकी डाली ऑर्डर फ्लो की, स्कैल्पिंग में बहुत यूज़ आता है ये, तो ये आपका 29,000 व्यूज मुझे अभी मैंने देखा, ये लोग देख रहे हैं। अगर आप मुझे कमेंट्स में डाल दो कि ऑर्डर फ्लो की सीरीज कंटिन्यू रखनी है, तो दो पार्ट्स के बाद नेक्स्ट पार्ट आपके डालने शुरू कर दूंगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आ जाते हैं अपन लोग, देखो मैं आपको एक बताता हूँ, यूट्यूब में लर्निंग वीडियोज जो डालता हूँ ऑलमोस्ट नेग्लेजिबली डालता हूँ, ठीक है। ऑर्डर फ्लो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऑर्डर फ्लो करना चाहिए ट्रेडिंग, मुझे बोलिंजर बैंड भी आता है, मुझे इचिमोकू भी आता है, आरएसआई भी आता है, डाइवर्जेंस ट्रेड्स भी आते हैं, सब पता है, आता सब है, करता नहीं वो बात अलग है, ठीक है। क्यों? बिकॉज कभी कभार क्या होता है ना, हमें कोई पॉइंट हम किसी सेटअप बना रहे हूँ मैं, वो सेटअप में वो और कोई इंडिकेटर मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से जो जो इंडिकेटर्स पड़े हैं उसको आपके मिक्स करता हूँ कि हाँ इसमें से कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है ऑर्डर फ्लो में आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके और इंडिकेटर में, जो कहते हैं ना दाल होती है दाल में तड़का डालने वाली बात, तो तड़का वाला काम कर जाता है, इसलिए हमें आना सब कुछ चाहिए, भले हम करें ना करें ट्रेड वो बात अलग होती है, लेकिन हमें आने सारी चीज़ चाहिए। चलो आगे देखते हैं, और निफ्टी में अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी 22,500 पे भी पुट राइटर्स बैठे हैं, कॉल राइटर्स बैठे हैं, यानी 22,500 का स्ट्रगल दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 109 रुपये इधर, 101 रुपये इधर, यानी 200 रुपये, 22,300 नीचे और 450 के ऊपर, यानी 22,650 ऊपर, यही रेंज दिख रही है अभी एक्सपायरी की एज पर इस डेटा के लिए, हालांकि निफ्टी एक्सपायरी बाद में, उसको बाद में देखेंगे। 22,000 कौन सा लेवल था जहाँ पे पुट ट्रेडर्स मैक्सिमम बैठे हैं, अभी एक बार देख लेते हैं, 22,300, तो 300 आपका पेवट लेवल आ गया है फिलहाल, वो अभी फिलहाल के लिए टूटा हुआ नहीं दिख रहा है ना। बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी की अगर बात करता हूँ 47,500 सबसे ज़्यादा पुट्स बैठी हैं, ठीक है। और अच्छा, आज जिसने तेजी बनाई होगी पुट राइडर ने बनाई होगी, तो दिक्कत नहीं है उसको, उसको तो मिल गया होगा पैसा, लेकिन कॉल उतनी खास भागी नहीं, ठीक है।
47,800, यानी 800 को एक बार यहाँ पे मार्क कर लेते हैं अपना बैंक निफ्टी पे आके, ठीक है, 47,800 समवेयर अराउंड इस जगह। अच्छा, वो यही लेवल रेजिस्टेंस का पता क्यों आ रहा है? बिकॉज 800 वाले ट्रैप इसके ऊपर ही होंगे, तो यहाँ तक जब तक क्रॉस नहीं करेगी तब तक शॉर्ट कवरिंग के बारे में प्लान नहीं करना बैंक निफ्टी के अंदर। शॉर्ट कवरिंग मतलब 500 पॉइंट तेजी, 400 पॉइंट तेजी, वो चीज़, ठीक है। तो 47,500 फिलहाल है आपकी ये, और ऊपर आपका 47,800-900 के ऊपर ही 400 पॉइंट की रेंज अभी कल के लिए फिलहाल दिख रही है बैंक निफ्टी में, ठीक है। फिर निफ्टी की अगर बात करता हूँ, एक चीज़ को ध्यान में रखना क्या, कि अगर मार्केट ऊपर की रेंज के ऊपर सस्टेन कर रही है तब आपको वो रेंज के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना। मान लो आपका एक घंटा डेढ़ घंटा सस्टेन लगातार करी जा रही है तो आपको फिर शॉर्ट नहीं रहना, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने के चांसेस हैं, ठीक है। सेम चीज़ डाउन साइड में होता है कि सस्टेन कर रही है नहीं कर रही है, सस्टेन करने के लिए एटलीस्ट आधा से एक घंटा मानते हैं हम लोग, 5 मिनट सस्टेन निकलता है। 21,200 पे आपको 23 लाख पुट्स हैं और 21,200 पे आपके 20 लाख कॉल्स हैं, ठीक है, तो बराबर बराबर ही हैं। और ऊपर अगर बात करते हो 21,400 पे आपकी मैक्सिमम कॉल रेट है, यानी 21,400 की अबव रेंज आ रही है, और नीचे की रेंज आपकी 21,100, वही 150-140 का, वही सेम चीज़ आ रही है हम लोगों ने उससे मिलाया था, ठीक है। तो ना ही अपन लोग अभी शॉर्ट कवरिंग को प्लान कर रहे हैं, ना ही आपका किधर की तरफ ही बड़ी प्लान कर रहे हैं। आता है हाफ क्वांटिटी में कर लेंगे, फुल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे उस केस में, ठीक है। रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया ऑप्शन का डेटा काफ़ी स्टैगर्ड है, मतलब फैला हुआ जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।